ढाई करोड़ दी आबादी, कुछ भी नहीं, सारा खाली पे। रैन जितनी धरती चाहिए बहुत ज्यादा है, खाण जितना भोजन चाहिए बहुत ज्यादा है, पीण जितना पानी चाहिए बहुत ज्यादा है, जीण वास्ते जितना ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा कुदरत प्रकृति ने पैदा किया है। लोड़ा सीमत ने पर बनाया प्रभु ने बेशुमार है, बेशुमार। फिर गुरबाणी ते ऐसा भी कहती है जीव दा जन्म बाद दे चाहुंदा है, रिजक दा जन्म पहले ही हो जाता है। पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। पहले रिजक पैदा हो जाता है, जीव दा जन्म बाद दे चाहिए। इहदे उत्ते कोई उदाहरण चाहिए है, इहदे उत्ते कोई प्रमाण चाहिए है। गुरबाणी दे नाल नाल दुनिया दे होर विद्वानां दे ख्याल भी मेल खांदे ने। एक सूफी फकीर दा ख्याल गमे रोजी मखुर, कोई चिंता करनी है तो गम करना है ते कर ले, पर रोजी दा गम रिजक दा गम बिल्कुल ना करे। क्यों? गमे रोजी मखुर मजन और आ के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल ए जद कल को नद पस्ताने मादर रा। मां दे अस्तना दिच दुध पहले बन गया है, बच्चे दा जन्म बाद दिच हो, रिजक पहले है, जीव दा जन्म बाद दिच। बच्चा बाद दिच आया है, दुध पहले बन गया, रिजक ते पहले मौजूद। सतगुरु कहते ने इस तों को प्रेरणा क्यों नहीं लेंदा, रिजक पहले पहले देते रिजक संभाव। लोड़ा दी सीमा है, लोग दी सीमा नहीं, सीमा नहीं। लोग ही उदी संग्रह करन दे रुचि है, जो लोड़ा तन दिया ने उनू मन दी लोड़ बना के लोग ते लोग ते संग्रह करना चाहता है, सब कुछ संग्रह करना चाहता है। लोग सब कुछ इकट्ठा करना चाहता है। हैरान होता मैं पढ़ के मराको दी बादशाह दिया 1000 बेगमां अजकल भी इस युग दे चे, मराको दा बादशाह रूप धन गज धन गौ धन अश्व धन भूमि धन स्वर्ण धन सब धन। तन दी लोड़ जद मन दी लोड़ बन जाए तो उन्हों मनुख संग्रह करेगा, संग्रह करेगा, बताएगा। लोड़ मनुख नू भ्रष्ट नहीं करती, लोभ भ्रष्ट करता है। अगर कोई मनुख भ्रष्ट होया लोड़ करके नहीं लोभ करके, अगर कोई बेईमान बनया देशद्रोही बनया विश्वासघातक बनया बेईमान बनया लोभ करके, लोड़ करके नहीं। लोड़ा बेईमान नहीं बना दिया, लोभ बेईमान बना दिया। लोड़ा भ्रष्ट नहीं कर दिया। इस वास्ते साहब कहने जो लोड़ा की खातर मेहनत कर रहा है उद्यम कर रहा है उससे ते भरोसा किया जा सकता है, पर लोभी का वैसा ना कीजिए। ये कहा बार बार लोभी ते विश्वास ना करना, लोभी ते भरोसा ना करना, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अज दे इस महावाक दे च कहंदे ने जिनू तुसी धन कहंदे हो अवल ते धन नहीं है, अगर है तो मैला है, क्योंकि इस धन दा लोभ मनुख दे मन नू मैला कर देंदा है। रूप धन गज धन स्वर्ण धन इहदा लोभ मनुख दे मन नू मैला कर देंदा है। इक है ऐसा धन जिदा लोभ ही मनुखी मन नू निर्मल कर देंदा है। तुसी आखोगे लोभ मैला कर दा है, लोभ निर्मल कर देंदा है। हां
केड़े धन दा लोभ मनुख दे मन नूं निर्मल कर देंदा है, जिहड़ा धन है ही निर्मल, उहदा लोभ मन नूं निर्मल कर देंदा है। ते तुसी आखोगे फिर निर्मल धन केड़ा है, ये तुसी हुण धन गुरु अमरदास जी महाराज पासो सरवण करो। ते अखरी अर्थ मैं आपदी दे सामने रखा, फिर अज दे संबंध च कुछ विचारां तुहाडे सामने रखीए। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री हरि दा नाम जेड़ा है, यही निर्मल धन, यही अपार धन है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, यही महान धन है जो अपार है, यही एक धन है जो जन्मा जन्मांतरां दे मन दी मैल नूं धो देंदा है, शुद्ध कर देंदा है। इस धन दा कोई संग्रह करे, जैसे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु बड़ा लोभ है मेरे तेरे नाम सुनन दा, पर करां की, तू सिर्फ दो ही कन दिते ने मैनू, इहदे नाल मेरे लोभ दी पूर्ति नहीं आउंदी। कोट करन दी जे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम, करोड़ां थावां ते तेरा जस हो रहा है ते मैं ते सिर्फ एको ही जगह सुन सकदा। हे प्रभु मैनू करोड़ां कन दे, ताकि जिथे जिथे तेरी सिफतो सलाह हो रही है मैं सुना, मैं सुना। हेलो भाई साहब, भाई गुरदास जी भी कहंदे ने, सरवन दरिद्री सुन अमृत बचन ब्रे, अचवत सुरत प्यास ना मिटाई। ये कन बड़े लोभी ने, बड़े दलिद्री ने, रजदे ही ने, रजदे ही ने। हे गुरु, हे प्रभु, तेरी महिमा सुनदे सुनदे रजदे ही ने। जे तू किधरे मैनू करोड़ा कन दे दे मैं ते हर जगह मैं तेरा जस सुना, जिथे जिथे भी आउंदा है। ते भी लोभ, धन दा लोभ जिस दे अंदर है, बड़ा बदकिस्मत मनुख है। नाम दा लोभ जिस दे अंदर पैदा हो गया है, बड़ा खुशकिस्मत मनुख है, पूजन योग है, सत्कार योग है, जिदे अंदर ए लोभ पैदा हो गया। पर ए लोभ उदों पैदा होंदा है कदों, जद धन दा लोभ शांत होवे, निर्मल धन दा लोभ उदों पैदा होंदा है। आ एक नुक्ता खास याद रखना, जितने चिर तक मैले धन दा लोभ मौजूद है, निर्मल धन दा लोभ पैदा ही नहीं होया, होंदा ही नहीं, ऐसा कदी होया ही नहीं। तो साहिब गुरु अमरदास जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, है ऐसा एक धन जिहदे नाल मन दे लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, तन दी नहीं, मन दे लोड़ां दी पूर्ति, मन शांत हो सकदा है। वो है प्रभु दा नाम, वो गहर गंभीर है, अति अपार है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, वो ही निर्मल धन है। हां जी, गुरु दे शब्द द्वारा अपने हिरदे दे भंडार भरे जा सकते हैं, प्राप्त ए गुरु शब्द द्वारा होवेगा, विचार द्वारा होवेगा, गुरु शब्द दे जाप द्वारा होवेगा। मंत्र भी शब्द नु कहंदे ने, मंत्र बोल, बोल शब्द, शब्द वाक, यानी भाषा अलग अलग है। संस्कृत देश बोल नु मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र, गुरु शब्द, गुरु वाक, गुरु बोल, गुरु दा बोल, गल एक ही, गुरु दे बोल दे राही प्राप्त होवेगा, गुरु दे शब्द द्वारा प्राप्त होवेगा, गुरु दे मंत्र द्वारा प्राप्त होवेगा, गुरु दे वाक द्वारा प्राप्त होवेगा। ए परम धन, ए अपार धन, ए महान धन। हां जी, नाम दे धन तो बिना होर सब कुछ नु जहर जान,
बिख जान, जहरीला जान, मैला जान। हाँ जी, माया भूल दरअसल ओ जिहड़ा तन तू जिहड़ी मन दी लोड़ बना लिया है, इहदे नाल ते अपमान वध जांदा है। किसे नूं रूप दा माण, किसे नूं भूमि दा माण, किसे नूं धन दा माण, किसे नूं जोबन दा माण, किसे नूं प्रभुता दा माण, इहते मनुख दे अंदर हंकार वधा देगा, माण वधा देगा। जिस जिस मनुख दे अंदर नाम धन वधदा है, नाम धन वधदा है, निर्माणता पैदा होंदी है, गरीबी पैदा होंदी है। इक ते ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने मेरे छुपे रहण दी इच्छा, मैं तो छुप जाना चाहुंदा, मैं तो मिट जाना चाहुंदा, मैं तो गुमनाम होना चाहुंदा। धन बार दा मनुख ए चाहुंदा है नवा खंडा विच जाणी है, नौ खंड विच मेरे नाम नूं जाणिया जाए। पर जे किधरे नाम धन की प्राप्ति हो जाए फिर तो यह होता है मोको कोय न जानस कईत दास तुम्हारा, इन्ना ही माण है तेरे सेवक हां, भावे कोई नहीं जानता ते भुख भी नहीं कोई जाने। एक ऐसा धन है जो मनुख नो ख्याल देंदा है मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ। एक ऐसा धन है जब प्राप्त हो जाए तो ख्याल बनता मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। दो नुक्ते और सुन लेना, बार दा धन प्राप्त करके सब कुछ हो के भी मनुख कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। और अंदर दा धन ए निर्मल धन, नाम ही प्राप्त होवे सिर्फ उसकी तड़प होवे ता भी मनुख सब कुछ हो जाता है। ए नुक्ता मैं एक दफा फिर तुहाडे सामने रखा। बैरूनी धन संपदा बहुती मिल भी गई है, मिल भी गई है, आखिर विच पता चलता है कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। नाम धन की तड़प सी ते मेहनत सी गालना सी नहीं भी मिलिया, यकीन जानो बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ अनुभव मिल जाता है, कुछ ख्याल मिल जाता है, कुछ रस मिल जाता है। न मिलना भी एक रस हो जाता है, मिलना तो महारस हो जाता है। बार दे धन दा न मिलना तो महा दुख है, मिलके भी दुख मिटदा नहीं, मिटदा नहीं। दूसरा नुक्ता, नाम धन प्राप्त हो गया तो महारस है, महा आनंद है, लेकिन तड़प बनी हुई है प्राप्त नहीं होया, यकीन जानो ता भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ना मिल के भी बहुत कुछ मिल जाता है। हो सकता है थोड़े विचों जेड़े कोई नाम अभ्यासी होंगे जरूर उन्हां दी पकड़ दे ये गल आई होगी, ना मिल के भी बहुत कुछ मिल जाता है। बारों बहुता कुछ मिल के भी पता चलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वास्ते मेरे पातशाह कहिंदे ने गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे मंत्र द्वारा हिरदे दे भंडार भगत जन जो है भरदे ने, यही सच्चा धन है, यही महान धन है, यही निर्मल धन है। हाँ जी, कोई विरला ही गुरमुख है जो इस तरह दे हरि नाम दे रस, इस धन दा रस माणदा है, चखदा है, आनंद लैंदा है। हाँ जी, पूरे भागां नाल इस निर्मल धन की प्राप्ति आती है ते ऐसे मनुख नूं हर वक्त आनंद रहिंदा है, जबकि छोटी दे धनवान रोंदे रहिंदे।